Hey guys, welcome back my YouTube channel. आप लोग के लिए और एक न्यू ट्रेंडिंग वायरल लिरिक्स स्टेटस वाला वीडियो एडिटिंग लेके आ चुका हूँ, देख सकते हैं स्क्रीन पर। सो इंट्रो में जो वीडियो देखे इस टाइप की वीडियो अगर आपको भी क्रिएट करना मतलब एडिटिंग सीखना है तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना, पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सो वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको इन शॉर्ट एप्लीकेशन को ओपन करना। ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप के इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे मिलेगा बड़ी ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे मिलेगा दो और ऑप्शन, वीडियो एंड फोटो। तो सबसे पहले फोटो के ऊपर क्लिक करना है, एक फोटो को यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। तो देख सकते मेरा फोटो यहाँ पे ऐड हो चुका है, तो इस तरह से आपको भी कर लेना है। फोटो ऐड करने के बाद सबसे पहले इस फोटो का रेशियो 9:16 वाले रेशियो में सेट करना है, जो कि मेरा पहला से है। अगर आपका नहीं रहेगा तो यहाँ पे मिलेगा कन्वर्स ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है। नीचे मिलेगा बहुत सा रेशियो, तो आपको 9:16 को सिलेक्ट करना है, उसको डन के ऊपर क्लिक करना है एंड ये फोटो को फुल स्क्रीन पर कर लेना है, ठीक है। इस तरह से जूम करके फोटो मेरा फुल स्क्रीन पर हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद इस फोटो का ड्यूरेशन लॉन्ग करना है, जितना सेकंड या फिर जितने मिनट में आपको वीडियो क्रिएट करना है। तो ऊपर मिलेगा बहुत सारा टूल्स, थोड़ा सा स्लाइड करना है, यहाँ पर मिलेगा ड्यूरेशन ऑप्शन, क्लिक करना है। पेंसिल के अकाउंट में जाना है एंड यहाँ पे आपको लिख लेना है। तो डेमो के लिए 15 सेकंड का क्रिएट कर रहा हूँ। अगर आपको 1 मिनट 30 सेकंड या फिर 25 सेकंड का चाहिए तो यहाँ पे आपको लिख लेना है। उसके बाद ओके वाला ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करना है एंड डन कर लेना है। तो ड्यूरेशन ऑटोमेटिक 15 सेकंड का हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कर लेना। उसके बाद अब क्या करना, वीडियो के स्टार्टिंग में एंड ये फोटो को थोड़ा सा आपको ब्लर करना है एंड एडजस्टमेंट करना है। तो सबसे पहले एडजस्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मिलेगा फिल्टर वाला ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है। एडजस्ट के ऊपर क्लिक करना है, सबसे पहले लाइटनेस को हल्का सा घटाना है एंड कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा बढ़ा लेना है। फोटो के अकॉर्डिंग आपको एडजस्टमेंट करना है। उसके बाद यहाँ पे मिलेगा सेचुएशन, इसको भी थोड़ा सा इंक्रीज करना है, ठीक है, +5 करना है। उसके बाद यहाँ पे मिलेगा विग्नेट, विग्नेट को एकदम 100, ठीक है, एंड शार्पन को करना है यहाँ पे 50%, ओके। ये देख सकते हो अप टर्न बिफोर। तो इस तरह से आपको फोटो को एडजस्टमेंट कर लेना है, उसको डन के ऊपर क्लिक करना है, ओके। एंड अब क्या करना है, फोटो को ब्लर करना है। तो यहाँ पे मिलेगा इफेक्ट वाला ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है, इफेक्ट प्लस के ऊपर क्लिक करना है। ऊपर मिलेगा बहुत सारा टूल्स, एकदम लास्ट पे जाना है, यहाँ पे मिलेगा स्टाइल वाला ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है। नीचे मिलेगा बहुत सारा इफेक्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा स्लाइड करना है, यहाँ पे मिलेगा ब्लर इफेक्ट, इसको अप्लाई कर लेना है फोटो में। तो फोटो मेरा ब्लर हो चुका है। उसके बाद ब्लर का वैल्यू अगर आपको बढ़ाना है तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हो वैल्यू को, ठीक है। तो इतना रख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डन के ऊपर क्लिक करना है एंड इसका जो इफेक्ट का ड्यूरेशन वीडियो को लास्ट तक कर लेना है, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो देख सकते मेरा फोटो यहाँ पे ब्लर हो चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद अब क्या करना है, यहाँ पे एक टेम्पलेट वाला वीडियो को ऐड करना है। तो वीडियो ऐड करने के लिए यहाँ पे मेरा PIP वाला ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है, वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, मतलब वीडियो वाला ऑप्शन में जाना है एंड ये टेम्पलेट वाला वीडियो को ऐड कर लेना है, ग्रीन ब्लू, ठीक है। तो इस वीडियो में जितना भी मटेरियल वगैरह ऐड होगा, मतलब टेम्पलेट वाला वीडियो, इफेक्ट वीडियो, लिरिक्स, फोटो वगैरह सब कुछ मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे, इजीली आप वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये टेम्पलेट वाला वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लेना है, कुछ इस तरह से। उसके बाद ऊपर मिलेगा बहुत सारा टूल्स, थोड़ा सा स्लाइड करना है, यहाँ पे मिलेगा कट आउट वाला ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे मिलेगा क्रोमा ऑप्शन, यहाँ पे जाना है एंड ये जो गोल सर्कल है ये ग्रीन कलर के ऊपर इस तरह से लेकर चल जाना है एंड यहाँ पे नीचे मिलेगा दो ऑप्शन, स्ट्रेंथ एंड शेडो। तो स्ट्रेंथ को करना है यहाँ पे 80%, ठीक है, एंड शेडो को करना है एकदम 100, ठीक है, देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे डन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, ये देख सकते हो। तो इस तरह से आपको कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे म्यूजिक टेम्पलेट वीडियो को ऐड करना है। तो उसके लिए फिर से आपको PIP प्लस वाला आइकन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना है, वीडियो के ऑप्शन में जाना है कुछ इस तरह से। उसके बाद ये म्यूजिक टेम्पलेट वाला वीडियो को ऐड कर लेना है, फुल स्क्रीन पर करना है एंड नीचे यहाँ पे कर लेना है सेट इस जगह पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मिलेगा ब्लेंड वाला ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है, स्क्रीन मोड में कर लेना है एंड ऊपर जो टेम्पलेट वाला वीडियो है इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेना है यहाँ पे सेट, ठीक है, इस जगह पे। ये देख सकते हो चुका है मेरा। तो इस तरह से आपको भी कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ब्लैक शेडो इमेज को ऐड करना है, मतलब PNG इमेज। तो PIP प्लस वाला आइकन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना है, फोटो के ऊपर क्लिक करना है, ये शेडो वाला इमेज को ऐड कर लेना है एंड रोटेट करके आपको फुल स्क्रीन पर कर लेना है, ठीक है, इस तरह से एंड नीचे यहाँ पे कर लेना है सेट, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद इसका ड्यूरेशन वीडियो को लास्ट तक कर लेना है कुछ इस तरह से। उसके बाद दोनों जो टेम्पलेट वीडियो है इस वीडियो के ऊपर एक बार क्लिक करना है, तो ब्लैक इमेज नीचे चल जाएगा एंड ये दोनों वीडियो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको कर लेना है, ये देख सकते हो, ओके। उसके बाद यहाँ पे डन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद अब क्या करना है, इस वीडियो को कर लेना है सेव। तो वीडियो को सेव करने के लिए ऊपर मिलेगा यहाँ पे सेव वाला ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है, वीडियो को कर लेना है सबसे पहले सेव। तो मेरा जो पहला स्टेप है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सेकंड स्टेप करने के लिए सबसे पहले वीडियो को सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरा वीडियो यहाँ पे सेव हो चुका है। उसके बाद होम वाला ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करना है, होम पेज में आ जाना है। उसके बाद अगर आपको वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, न्यू के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे मिलेगा दो ऑप्शन, वीडियो एंड फोटो। तो फोटो वाला ऑप्शन में क्लिक करना है, सेम फोटो को यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। फोटो मेरा ऐड हो चुका है। उसके बाद फोटो का ड्यूरेशन आपको कर लेना है 15 सेकंड। तो यहाँ पे ड्यूरेशन के ऊपर क्लिक करना है, पेंसिल में जाना है एंड 15 सेकंड कर लेना है।
एंड इस फोटो को भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है तो फिल्टर के ऊपर क्लिक करना है, एडजस्ट में जाना है, इस तरह से आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेना है फोटो को, ठीक है। फोटो मेरा एडजस्ट हो चुका है, इसको डन के ऊपर क्लिक करना है। एंड ये जो वीडियो है, इस वीडियो का रेशियो 9:16 वाला रेशियो में सेट करना है, तो यहाँ पर मेरा कन्वर्सल ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है, 9:16 को सिलेक्ट करना है, उसको डन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद अब कहीं यहाँ पे जो वीडियो अभी सेव किया है उस वीडियो को फिर से आपको यहाँ पे ऐड करना है, तो यहाँ पे मेरा पी आई पी ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है, वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, अभी जो वीडियो सेव किया है उस वीडियो को यहाँ पे ऐड कर लेना है, फुल स्क्रीन पर करना है कुछ इस तरह से। उसके बाद अब कहीं आपको ये जो ब्लू जैसा कलर है उसको रिमूव करना है यहाँ से, उसके लिए आपको यहाँ पे मिलेगा कट आउट वाला ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे क्रोमा ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना है, एंड ये जो गोल जैसा सर्कल है ये ब्लू कलर के ऊपर इस तरह से लेकर चल जाना है, ठीक है। उसके बाद नीचे मिलेगा दो ऑप्शन, स्ट्रेंथ एंड शेडो, तो शेडो को यहाँ पे 0 रखना है एंड स्ट्रेंथ को एकदम 100 कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डन के ऊपर क्लिक करना है, देख सकते हो कुछ इस तरह से मेरा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगेन डन कर लेना है एंड फोटो को थोड़ा सा मतलब छोटा करके यहाँ पे कर लेता हूँ सेट, ठीक है, ये देख सकते हो। ओके, तो इस तरह से आपको कर लेना है। उसके बाद अब कहीं यहाँ पे आपको वीडियो में लिरिक्स वाला वीडियो को ऐड करना है, उसके बाद आपको इफेक्ट वाला वीडियो को ऐड करना है, तो पी आई पी वाला ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करना है। लिरिक्स वाला वीडियो ऐड करने के लिए यहाँ पे मिलेगा पी आई पी प्लस, यहाँ पे जाना है, वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, लिरिक्स वाला वीडियो को यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है, ये देख सकते हो। तो मेरा लिरिक्स वाला वीडियो ऐड हो चुका है, उसके बाद यहाँ पे मिलेगा ब्लेंड वाला ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे स्क्रीन मोड में कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ये लिरिक्स वाला वीडियो को थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा मतलब बड़ा कर लेना है एंड ऊपर यहाँ पे कर लेना है सेट इस जगह पे, ये देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना, इफेक्ट वाला मतलब लाइट इफेक्ट वाला वीडियो को ऐड करना है, तो यहाँ पे मिलेगा पी आई पी प्लस, यहाँ पे क्लिक करना है, वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, ये लाइट इफेक्ट वाला वीडियो को ऐड कर लेना है, फुल स्क्रीन पर करना है एंड यहाँ पे मिलेगा ब्लेंड वाला ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है, स्क्रीन मोड में कर लेना है एंड लाइट वाला वीडियो में कुछ भी साउंड वगैरह रहेगा तो आपको यहाँ पे म्यूट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद अगर आपको डन के ऊपर क्लिक करना है, तो गाइज फाइनली मेरा वीडियो इंट्रो के साथ कंप्लीट बन के रेडी हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पर। सो इस तरह से आप वीडियो को बना सकते हो, मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, आई होप कि आपको हर एक स्टेप समझ आ चुका है। तो गाइज वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना एंड अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना एंड अब क्या करना, इस वीडियो को कर लेना है सेव, ऊपर मिलेगा सेव वाला ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है, फेवरेट को 60 कर लेना एंड वीडियो को हाई क्वालिटी में सेव करना है। तो मेरा जो वीडियो 7 स्टार्ट हो चुका है, सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।